भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की परम प्रभावक शिष्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में दिनांक 4 जुलाई 2023 से पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा चलाई गई, जो प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पहुँचा रही है। दिनांक 23 अगस्त 2023 को प्रातः 6 बजे पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा दिल्ली के करमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। द्वारा बेहद ही उत्साह पूर्वक रथ का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मंत्रों की ध्वनि के साथ संगीतमय वातावरण में क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक पूर्ण भक्तिभाव से किया गया। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ओम अहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम पम 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 धम धम झीम झीम छीम छीम द्राम द्रा द्रीम द्रीम द्रावि द्रावि ओम नमो अरपे भगवते श्रीमते पवित्र तर्जुनि जिन्मवि सेचवामिति स्वाहा। इस दौरान मंत्रों की ध्वनि से मानो समस्त वातावरण खेल उठा। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ प्रभु की शांति धारा पुण्यशाली भक्तों द्वारा की गई। इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्तों में एक उमंग छा गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री सर्वज्ञाय नमः श्री हितोपदेशाय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता श्रोतानां दर्शकानां सकल जैन समाजानां कर्मपुरा सर्व भक्त पुजारी गणानां सर्व विश्व जीवानां मुनि आदिका श्रावक सेविका चतुर्विध सर्व संगानां चा सर्व पापं खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम सं झम बम पह हा साम छाम छीम छुम छेम छेम छोम छम छा छीम राम ह्रीं रूम रम रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावि द्रावि नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा सभी शांति धारा करने वाले कर्तेभ्य श्रोतेभ्य दर्शकेभ्य सकल जैन समाज कर्मपुरा सर्व भक्त पुजारी गणाय सर्व विश्व जीवाय मुनियार का श्रावक सेविका चतुर्विध सर्व संगाय चा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु शिवमस्तु नित्य जयस्तु नित्य आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा संतु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वाहा। एवं सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले
टीवी पर देखने वाले, टीवी पर सुनने वाले सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारार्थम श्रीमद भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते श्रीमद महावीर तीर्थंकराय अनंत चतुष्टय सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अब्बाय सर्व शांति धारा कृतानाम श्रोतानाम दर्शकानाम सर्व सेविका सकल जैन समाज कर्म पुराणाम कर्म पुरा सर्व भक्त पुजारी गणानाम सर्व विश्व जीवानाम मुनि आदिका श्रावक सेविका चतुर्विध संगानाम चा व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु। ओम ह्रीं श्री जिनाभिषेक महाशांतिधारा पूजा प्रसादात अस्माकं सर्व दोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कर्म सह दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशन सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्रोधोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम दामन विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रम रा अस्या उषा नमः अस्माकं सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। पूजिकानां प्रतिपालनिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राशस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात भक्तजनों द्वारा 24 तीर्थंकर भगवानों को पूर्ण विधि विधान के साथ अर्घ्य अर्पित किया गया। तत्पश्चात महाआरती करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु की आरती पूर्ण भक्ति भाव से उतार कर असीम पुण्य का संचय किया। दर्शकों, दिनांक 23 अगस्त को दिल्ली के करमपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में जब पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा पहुँची तो इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्त अति उत्साहित नजर आए। बड़ी संख्या में भक्त इस अवसर पर सम्मिलित हुए। दर्शकों, इसी क्रम में दिनांक 24 अगस्त 2023 यानी आज पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा का दिल्ली के जनकपुरी C2 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 6 बजे आगमन हुआ, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने धर्म लाभ अर्जित किया, जिसके बाद पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा कल यानी दिनांक 25 अगस्त 2023 को दिल्ली के सगरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रवेश करेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय जिनेन्द्र।